नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं, साथ ही अन्य जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डेली बेसिस पर कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी छह टॉपिक्स को देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस संबंध में आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। ऐसे कई सारी जो वीडियोस पहले भी हो चुके हैं उनका हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक अलग से ऐसा एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। फिलहाल देखें आज का सेशन जो है, तो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए पहले ही ये अशुद्ध पूछा जा रहा है। आप लोग जब भी इस तरीके के प्रश्न को करें, मेरी एक हिदायत या सजेशन रहेगा कि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग इसको जो ये अशुद्ध है ये है इसको तुरंत मार्क कर लीजिएगा। अगर यहां पे शुद्ध भी लिखा हो उसको भी मार्क कर लीजिए। इन ऐसा करने से आपकी नजर बार बार उस पर जाएगी कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। आप हो सकता है इन चारों ऑप्शंस पे जब विचार कर रहे हो तब तक आप ये भूल चुके हो कि यहां पे शुद्ध था या अशुद्ध था, तो इसलिए आपको ये हाईलाइट कर लेना ज्यादा बेहतर रहता है। या मान लीजिए अशुद्ध नहीं है पूछ लिया तो उस नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको आसान बना सकते हैं। अब देखिए कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है, तो मतलब बाकी शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध है। अब देखते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब देखिए पहले ही मैं आपका आंसर इसमें मिल गया, इस बात का स्पष्टीकरण करना। अब ये जो वर्ड है स्पष्टीकरण करना, ये वास्तव में स्पष्टीकरण का क्या मतलब होता है? स्पष्टीकरण का ही मतलब होता है स्पष्ट करना। अब उसमें स्पष्ट करना करना दोबारा से आ गया, तो यानी ये यहां पर रिपीटेटिव है, इसकी जरूरत नहीं थी। तो यानी जो पहले ही ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पहला ही प्रश्न में, मतलब पहले ही ऑप्शन में अगर आपको आंसर मिल भी जा रहा है, फिर भी आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप लोग बाकी ऑप्शंस पर भी विचार करें। हो सकता है कि आप इसमें, मतलब ऐसे करने से आपको ऑप्शन आप बदलने पर मजबूर हो जाए, तो इसलिए अन्य ऑप्शंस पर भी देख लेते हैं। प्यास तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अब देखिए इसमें श्रमिक में श्र यही वाला बनेगा, ये भी ठीक है, 2 रुपये। अब रुपये जो है यहां पर ये आप लोगों को ध्यान देना है कि रुपये कौन सा वाला होता है, रुपये कैसे लिखा जाता है, ये यहां से आप देख लीजिए। अब चूंकि इसमें तो ये सही है, अब इसमें देखिए रुपए यहां पे ये सही है, ठीक है। तो यानी यहां पर जो रू बनेगा ये छोटा वाला ही बनेगा, और कई लोग ऐसे रुपये कर देते हैं तो ये गलत है। तो यहां पर ये बड़ा रू ना होकर के छोटा रू ही बनता है, जो यहां पर लिखा है वो सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कई सारे इसमें अशुद्ध होंगे, 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होगा। अब देखते हैं क्या प्रश्न है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अब देखिए ये वाक्य तो सीधा सीधा यहां पे अशुद्ध हो जाता है, दरअसल इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, यानी ये वाला जो वर्ड है अधीन, ये अधीन ना होके अधीन होता है, तो ये अधीन जो है यहां पर ये इसका सही आंसर होता है। अ में आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहां पर देखेंगे तो आप ये वाला वर्ड आपका गलत हो गया। देखिए अपराध वर्ड है, अपराध में अगर हम लोग ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अपराधी हो जाता है। अगर अपराध में ही हम लोग निर उपसर्ग जोड़ देंगे तो निरअपराध हो जाएगा। मगर अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उपसर्ग भी जोड़ दे प्रत्यय भी जोड़ दे तो निरअपराधी नहीं, निरअपराधी गलत हो जाएगा, निरअपराध सही वर्ड है, ठीक है। तो निरअपराध व्यक्ति को, यानी जो जिसने अपराध नहीं किया है उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे अब इसमें निरपराधी लिखा है तो इसमें ई की मात्रा ये गलत है, तो यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अब है बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुक्त हस्त मतलब खुले दिल से या खुले हाथों से उसने दान किया, ऐसे वाक्यों में ऐसा प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा है कि बादशाह ने मुक्त हस्त से दान किया, ये गलत हो जाता। ये वास्तव में जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है कि मुक्त हस्त दान किया, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। चौथा जो ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यहां पे आप देखेंगे तो ये पैतृक गलत लिखा हुआ है। पिता से बनता है पैतृक,
और पैतृक में जो है वो पिता वाला ही ता में मात्रा लगेगी, यानी कि ये ऐसे पैतृक जो ये वाला होगा तो त्री जो है ये वाला होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसमें आपका सेकंड का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। प्रश्न पूछा है कि विलोम में कौन सा एकदम सही लिखा है, तो अब देखिए पहला है विराग चिराग, बिल्कुल कहीं से भी ये मिलता जुलता नहीं है। विराग चिराग जो है वो विराग का विलोम होता है अनुराग, अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग, अनुराग मतलब प्रेम, विराग का मतलब जैसे आप मोहभंग टाइप में कह सकते हैं, तो विराग का विलोम हो जाएगा अनुराग। अनुराग का एक विलोम द्वेष भी होता है, देखिए अनुराग का विलोम द्वेष भी हो जाएगा, अनुराग का विलोम विराग भी हो जाएगा, और ये दोनों ही सही हैं, परंतु विराग का विलोम कहीं से भी चिराग नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है इसको तो यहीं पे काट दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं संयुक्त का वियुक्त, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, संयुक्त का वियुक्त ही राइट विलोम होता है, तो यानी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसी में हमारा उत्तर मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे का देखते हैं क्या है ऑप्शन। अगला है सरस और अरस, ये देखिए गलत है, आपको पता है सरस का विलोम जो होता है वो नीरस होता है, यानी जिसमें रस हो सरस और जिसमें कोई रस ना हो वो नीरस, तो सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। आप लोग ऐसे भी इसको मतलब अपने जेहन में इसको डालते रहिए, याद करते हुए चलिए कि सरस का विलोम हो जाएगा नीरस, विराग का विलोम हो जाएगा अनुराग, और अनुराग का विलोम द्वेष भी होता है। इसी प्रकार देखिए अर्वाचीन का समीचीन, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मिलता जुलता होने से ऐसा नहीं है कि आपका विलोम सही हो जाएगा। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन अर्वाचीन मतलब नूतन या नया, और प्राचीन का मतलब पुराना, तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन, और समीचीन का मतलब होता है उपयुक्त, तो समीचीन जो है यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो इसका देखिए राइट आंसर थर्ड का बी ही होगा। आगे चलते हैं विराट का विलोम शब्द, देखिए विराट का विलोम शब्द पूछा है, तो विराट का विलोम शब्द ए ऑप्शन है वृहत, विराट का भी मतलब यही होता है, तो वृहत तो कहीं से नहीं होगा, दूसरा वृहद लिखा हुआ है, तो अब देखिए दो ऑप्शन एक ही तरह के हैं, तो कई लोग सोचेंगे कि ऐसे ही कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम मीनिंग है, सब समानार्थी चल रहे हैं, तो वृहत और वृहद ये दोनों ही गलत है। विराट का जो असली विलोम होगा वो क्षुद्र होता है, तो विराट का क्या विलोम होगा क्षुद्र, और ये वृहत नहीं होगा, वृहत नहीं होगा। इसी प्रकार छोटापन, यह भी इसका विलोम नहीं होगा, छोटापन हालांकि मतलब में ये विराट से इस मतलब इसका सेम निकलता है, पर वही बात हो जाती है कि इसका जो उपयुक्त विलोम है यह जो बुक्स में अक्सर दिया रहता है वो क्षुद्र ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न जो है वो देखिए ये आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार जो शब्द है, दुर्निवार का क्या मतलब होता है, दुर्निवार का मतलब होता है कि जिसका निवारण करना कठिन हो या जिसको दूर करना कठिन हो, निवारण करना कठिन हो उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसका जिससे पार पाना कठिन है तो वो कह सकते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन है जिसे दूर करना कठिन हो, बी ऑप्शन है जिस पर वार करना कठिन हो, वार करना आप देखिए दुर्निवार से वो बन रहा है लेकिन ये गलत है, तो उसमें नी का तो कोई फिर हुआ ही नहीं, दुर्वार भाई दुर्निवार में ये जो है नी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये इस टाइप से बना दिया, तो ये दरअसल इसका रॉन्ग आंसर है, बी तो कहीं से नहीं हो सकता है जिस पर वार करना कठिन हो। आगे देखते हैं जिसे देख पाना कठिन हो, तो जिसे देख पाना कठिन हो यह भी इसका आंसर नहीं है, दुर्निवार से कहीं से भी संबंधित नहीं है। जिसे जीत पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो आपका दुर्जेय हो जाएगा परंतु दुर्निवार नहीं हो रहा है, तो यानी कि सी और डी ऑप्शन भी आपके यहाँ पे गलत हो रहे हैं, तो एक तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो जिसे दूर करना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो वो दुर्निवार, एग्जैक्ट इसका जो होता है वो जिसका निवारण करना कठिन हो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगला जो प्रश्न हमारा है कि तैरने या पार होने का जो इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक, अब देखिए तैरने का इच्छुक बोलते हैं तैरने की जिसमें इच्छा हो उसे बोलते हैं तितीर्षा, ठीक है, तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, तो उसी प्रकार से अगर तैरने का इच्छुक बोला जाए तो वो हो जाएगा तितीर्षु। ठीक है, तो देखिए तितीर्षु जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा तितीर्षु, क्योंकि तैरने की इच्छा होती है तितीर्षा, तैराक बोलते हैं जो लोग तैर के जाते हैं, तो तैराक ये स्विमर आपका हो गया, तारणक कोई वर्ड ऐसा होता नहीं है, तारक मतलब जो पार कराने वाला होता है, तैराने वाला, वो
तो तैराक और तारक ये नहीं हो सकता, तारणक कोई है ही नहीं, तितीर्षु इज द राइट आंसर। और तितीर्षा जो है इसकी इच्छा को बोलते हैं तितीर्षा। ये दोनों ही वर्ड आप लोग याद कर दीजिए, साथ में इसकी स्पेलिंग सहित कि मतलब ये लिखा कैसे जाएगा इस पर भी ध्यान देते चलिए, क्योंकि ये आपको शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं चना का तत्सम शब्द। अब देखिए तत्सम रूप जो चना का होता है वो होता है दरअसल जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, चणक, चणा ये गलत लिखा हुआ है, चणा नहीं होता है। इसी प्रकार से चाणक, चाणक भी नहीं होगा, चणाक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है चणक। अब कई लोगों को देखने में लगेगा कि चना का चणा हो सकता है, पर ये गलत है। आप लोगों को याद करना होगा कि चना का चणक ही होता है। और जो आपकी आरओ हिंदी वाली क्लास है पीडीएफ वाली, वो उसमें आप लोगों को ये सब दिया भी जाता है। अगला देखते हैं थाली का तत्सम रूप। थाली का तत्सम रूप होता है, अब देखिए थाली बना है स्थाली से, इसमें बोलने में आधा सा बोलने में लोगों को समस्या होती थी, धीरे धीरे उन लोगों ने उसे स्किप कर दिया और ये जो है थाली को स्थाली को थाली बोलने लगे, लेकिन वास्तव में स्थाली जो है वो इसका तत्सम रूप होता है। तो यानी ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, थालिका ये नहीं, ये गलत ऑप्शन है, थ्याली भी गलत है, थाली ये भी गलत है। तो यानी कि इसमें सारे ही ऑप्शन जो है हटा दीजिए आप, केवल ये पहला ऑप्शन जो है स्थाली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में देखते हैं, ये आ गया विशेषण वाला प्रश्न। देखिए अब विशेषण वाले प्रश्न में आते हैं कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। अब ये जो बहुत घोड़े आए हैं ये बहुत शब्द क्या है, कौन सा विशेषण है ये दरअसल ये पूछ रहे हैं। तो विशेषण के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें अब देखिए जो परिमाण बोधक होता है वो दरअसल मात्रा बताता है, ठीक है। तुलनात्मक विशेषण और ये परिमाण बोधक, परिमाण बोधक जो आपका होता है वो दरअसल दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है कि आपका जो निश्चित रूप से बता देता है कि बाजार में 20 घोड़े आए हैं, ठीक है। अगर ऐसा बताता है कि बाजार में 20 घोड़े आए हैं तो वो हो जाता है आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। परंतु यहां पर बोला जा रहा है बहुत घोड़े आए, कितने आए हैं यह नहीं पता, लेकिन मात्रा जरूर बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा है, मगर कितने हैं वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा। तो यानी कि यह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, ठीक है। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब देखिए ये आप लोगों को अगर ना दिख रहा हो, हाँ, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब देखिए धुंधला मतलब किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है कि ये चीज धुंधली है। अब ये कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं, क्योंकि इसमें किसी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि दो आम चार फल, तो ऐसे करके होता तो वो संख्या होती, परंतु यहाँ पे संख्या का नहीं कुछ हो रहा है। सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि ये पुस्तक, वो कार, ऐसे करके जो बोला जाता है, तो उसमें वो सार्वनामिक होता है, यहाँ पे ये भी कुछ नहीं है। गुणवाचक विशेषण इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें गुण बताया जा रहा है कि जैसे वो शीशा है तो धुंधला है, तो धुंधला शीशा यानी गुण बताया जा रहा है शीशे का कैसा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का आपका सी। आगे देखें पर्यायवाची शब्दों में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। अब हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए आपका कटी, कटी का मतलब होता है कमर, ठीक है, कटी भंग होना, तो यानी कमर भंग होना ऐसे करके बोला जाता है, तो कटी का मतलब कमर हो जाता है। हस्त का मतलब हाथ होता है, पाणी का मतलब भी हाथ होता है, पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार जिसको बोलते हैं, या वीड़ा पाड़ी बोलते हैं सरस्वती को, कि जिनके हाथों में वीड़ा रहती है। इसी प्रकार से कर, कर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि कर का मतलब हाथ होता है। तो यहां पर देखेंगे तो कटी इज द राइट आंसर, बिकॉज कटी का मतलब होता है कमर, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है कौन सा हाथ का, तो कटी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे 12वें प्रश्न और अपने अंतिम प्रश्न पर। इसमें हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची हम लोगों ने पिछली भी एक क्लास में देखा था कि सूर्य के पर्यायवाची पे कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और इसी में से एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं। अब देखिए प्रभाकर, प्रभा मतलब होता है रोशनी, प्रभा करने वाला,
तो यानी रोशनी करने वाला कौन, तो सूर्य, तो ये हो सकता है, ये इसका मतलब पर्यायवाची होता है, ठीक है। विभा कर, विभा मतलब होता है रात, तो रात कर मतलब रात को करने वाला, रात को कौन करता है, तो सूरज नहीं करता है, तो यानी कि विभाकर तो यहाँ पे कहीं से नहीं हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। विभाकर दरअसल होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। दिनकर, दिनकर सबको पता है जो दिन को करने वाला, दिन लाने वाला, तो वो दिनकर जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। दिनेश भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। विभाकर जो है वो दरअसल चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा को विभाकर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्यायवाची सूर्य का कौन सा नहीं है, तो ये आपका विभाकर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां से आपके प्रश्न खत्म होते हैं। देखिए आपके जो भी 6 टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड हम लोगों ने इन प्रश्नों को सॉल्व किया, और ऐसे ही करके आप लोग एक अंदाजा भी आपको लगता रहेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है कि नहीं, और डेली बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न भी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम लोग समावेश करते हुए आपकी इसी प्रकार से तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।